1961 में जब पहली बार रशिया के एक पायलट ने स्पेस में कदम रखा तो पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई। अंतरिक्ष में करीब 1 घंटा 48 मिनट तक रहने वाले यूरी गैगरिन मानव इतिहास के पहले मानव बन गए जिन्होंने स्पेस में जाकर के पृथ्वी की परिक्रमा की और वापस पृथ्वी पर भी लैंड किया। 1961 में सोवियत यूनियन की इस कामयाबी के बाद अमेरिका में स्पेस रेस और जोर पकड़ लेती है, जिसका अंत 16 जुलाई 1969 में होता है जब अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में बैठे 3 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा पर कदम रखते हैं। 1969 की सफलता के बाद आज भी स्पेस में कोई भी दूसरा व्यक्ति चांद से आगे नहीं पहुंच सका है। 70 साल पहले शुरू हुई स्पेस रेस के बाद केवल 3 ही देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने नागरिक को अपनी ही जमीन से स्पेस में भेजा है। इनमें सबसे ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स यूएसए और रशिया ने भेजे हैं, जो आज स्पेस स्टेशन में भी रहते हैं। वहीं चाइना ही तीसरा ऐसा देश है जिसने अपनी ही स्पेस एजेंसी के बल पर अपने नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजा है। मानव इतिहास में यही 3 पहले देश हैं जो स्पेस रेस में काफी आगे हैं, पर अब भारत भी इस रेस में आ चुका है। नए गगनयान मिशन के बाद भारत दुनिया का 4था देश बन जाएगा जो अपनी ही धरती और अपने ही रॉकेट से भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजेगा। 10,000 करोड़ का ये मिशन अगर सफल हो गया तो हम भारतीय उस क्षण को देखेंगे जिसकी कल्पना हमने आज तक नहीं की थी। पर 10,000 करोड़ का ये मिशन कैसे पूरा होगा और इसमें कितने यात्री अंतरिक्ष में जा सकेंगे और ये कब लॉन्च होगा, ये सब जानने के लिए तैयार हो जाइए साइमित के साथ एक और नए मिशन के लिए। गगनयान मिशन एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का हिस्सा है जिसकी नींव साल 2006 में रखी गई थी। इसरो अपने इस नए मिशन के जरिए इंसानों को स्पेस में भेजना चाहता था, पर बार बार बजट के इशू और खास टेक्नोलॉजी के ना होने की वजह से मिशन पीछे खिसकता रहा। पहले इसे ऑर्बिटर वहीकल का नाम दिया गया था, जिसमें इसरो एक कैप्सूल बना करके 2 अंतरिक्ष यात्रियों को 1 हफ्ते तक अंतरिक्ष में रखना चाहता था। साल 2008 में इस कैप्सूल का डिजाइन फाइनल किया गया और केंद्र सरकार को भेजा गया। डिजाइन फाइनल हुआ और साल 2013 में इसके पहले अनमैन्ड क्रू फ्लाइट की डेट निकाली गई, पर बजट और तैयारी में देरी के कारण फिर से यह मिशन धीमा हो गया। पर धीरे धीरे सरकार ने इसे एक इम्पोर्टेंट मिशन माना और पूरे बजट को सैंक्शन कर दिया। साल 2021 के लास्ट में इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारी की गई, पर यह भी पूरा ना हो सका। इस बार कोरोना की वजह से हमारा पहला स्पेस प्रोग्राम धीमा पड़ गया। लगातार धीमा होने के कारण कई लोग इसके बारे में अपडेटेड नहीं हैं और इंटरेस्ट भी खत्म हो रहा है। इसलिए मैं उन सभी लोगों के लिए गगनयान मिशन की हर बारीकी को बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इसे प्लीज पूरा जरूर देखिए और समझिए ये मिशन भारत के लिए और उसके स्पेस फ्यूचर के लिए कितना जरूरी है। गगनयान स्पेसक्राफ्ट 2 मॉड्यूल से मिलकर बना है, जिसमें पहला मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल है तो दूसरा सर्विस मॉड्यूल। इन्हीं दोनों मॉड्यूल्स को जोड़ करके एक कैप्सूल बनता है जो कि एक विशालकाय रॉकेट में फिट किया जाता है। बात की जाए क्रू मॉड्यूल की तो इसमें सभी क्रू मेंबर्स यानी अंतरिक्ष यात्री रुकते हैं। 5300 किलो का ये मॉड्यूल अपने अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम और एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम को भी रखता है। इसके अलावा इसमें मिशन अबोर्ट सिस्टम और क्रू एस्केप सिस्टम है, जिसे रॉकेट लॉन्च के दौरान पहले और सेकेंड स्टेज में एक्टिवेट किया जा सकता है। ये सिस्टम बहुत जरूरी है। हर रॉकेट लॉन्च में बहुत रिस्क होता है और हम साल 1986 में चैलेंजर डिजास्टर को देख ही चुके हैं, तो ये दोनों सिस्टम आरंभिक स्टेज पर गड़बड़ी होने पर एस्ट्रोनॉट्स के क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से दूर एक सुरक्षित दूरी पर ले जाते हैं, जिससे वह वापस पृथ्वी पर पैराशूट की मदद से आसानी से लैंड कर लेता है और हमारे अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित रहते हैं। गगनयान इसी सिस्टम से लैस है जो कि ऑटोमेटिक रॉकेट फेलियर को डिटेक्ट कर लेते हैं, और साथ में इस सिस्टम से क्रू का कमांडर भी इमरजेंसी के टाइम मैनुअली भी अपने आप को रॉकेट से इजेक्ट कर सकता है। वहीं 2900 किलो का गगनयान का सर्विस मॉड्यूल कई तरह के लिक्विड प्रोपोलेंट फ्यूल से लैस होता है। क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को मिलाकर के एक ऑर्बिटल मॉड्यूल तैयार होता है, जिसमें सर्विस मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में ले जाने के लिए और उसे वहां पर फिक्स करने के साथ साथ वापस पृथ्वी पर रीएंट्री करते वक्त एक रिजर्व फ्यूल की तरह काम करता है। गगनयान के सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम में नाइट्रोजन के मिक्स ऑक्साइड और मोनोमिथाइल हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजर और फ्यूल का काम करते हैं। इस सर्विस मॉड्यूल में 5 मेन इंजन हैं जो 400 न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करते हैं। वहीं इसमें 16 ऐसे छोटे इंजन भी हैं जिनमें 100 न्यूटन का थ्रस्ट होता है। इन सभी 16 नोजल्स को रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है। ये सभी सिस्टम ऑर्बिटल मॉड्यूल को एक खास एल्टीट्यूड पर रखने के साथ साथ उसे प्रोपल्शन भी देते हैं। इसे किसी भी खास डायरेक्शन पर मोड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ ये किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट से खास दूरी भी रखने में हमारी मदद करते हैं और एक स्टेबल स्टेशनरी ऑर्बिट में
मॉड्यूल को संभाल कर रखते हैं। आइए अब जानते हैं कि साल 2006 में जब गगनयान मिशन की शुरुआत हुई तो आखिर 2022 तक भी इसे लॉन्च क्यों नहीं किया गया है। 16 सालों का विशाल गैप क्यों इस मिशन में लग रहा है और ये आखिर कब लॉन्च होगा, आइए जानते हैं। जब कोई स्पेस एजेंसी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम डिजाइन करती है तो उसे बनाने में कई साल तो लगते ही हैं। गगनयान मिशन में क्रू और सर्विस मॉड्यूल की डिजाइन और एक भारी लॉन्च व्हीकल के बारे में सोचने में 3 साल का मिनिमम समय लगा। उसके बाद बजट और फंडिंग में देरी हुई और साल 2013 में इसे फाइनल किया गया। साल 2014 में सबसे पहले क्रू मॉड्यूल की एटमॉस्फेरिक रीएंट्री एक्सपेरिमेंट की टेस्टिंग की गई। इस टेस्ट में इसरो के वैज्ञानिकों ने क्रू मॉड्यूल को GSLV मार्क 3 लॉन्च व्हीकल पर फिट किया। इसके बाद क्रायोजेनिक फ्यूल से लैस रॉकेट इसे स्पेस में ले जाता है और पृथ्वी की सतह से 126 किलोमीटर ऊपर जाते ही वह रॉकेट क्रू मॉड्यूल से अलग हो जाता है। लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक मॉड्यूल में लगे सिस्टम उसकी स्पीड को कम करते रहते हैं। फिर इसी ऊंचाई पर थ्रस्टर बंद कर दिए जाते हैं और धीरे धीरे वातावरण का ड्रैग यानी फ्रिक्शन मॉड्यूल की स्पीड को कम करता रहता है। मॉड्यूल की हीट शील्ड लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक की हीट सहन करती है। उसके बाद जैसे ही मॉड्यूल की गिरने की स्पीड 233 मीटर प्रति सेकंड होती है उसमें लगे पैराशूट डिप्लॉय हो जाते हैं और उसकी स्पीड को 50 मीटर पर सेकंड कर देते हैं। 31 मीटर चौड़े ये पैराशूट भारत के सबसे विशाल पैराशूट होते हैं जो 2014 में इस टेस्ट में इसरो के क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी यानी वे ऑफ बंगाल में आसानी से लैंड करा देते हैं। इस पूरे मिशन में 20 मिनट 43 सेकंड का समय लगता है और उसके बाद वैज्ञानिकों को यकीन हो जाता है कि उनके द्वारा बनाया गया गगनयान का क्रू मॉड्यूल स्प्लैश डाउन कर सकता है और सुरक्षित अंतरिक्ष यात्रियों को वापस पृथ्वी पर ला सकता है। इस टेस्ट के सफल होने के बाद साल 2018 में इसरो गगनयान का लॉन्च अबोर्ट सिस्टम टेस्ट करता है जिसमें इमरजेंसी या रॉकेट फेलियर के वक्त क्रू मॉड्यूल को तुरंत रॉकेट से डिटैच कर दिया जाता है। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे एक फाइटर पायलट जेट से इजेक्ट होता है, बस यहाँ पायलट की जगह पूरा एक मॉड्यूल होता है जिसमें कई अंतरिक्ष यात्री बैठे होते हैं। इसरो ने इस टेस्ट को पृथ्वी की सतह से 2.75 किलोमीटर ऊपर किया और एस्केप सिस्टम ने मॉड्यूल को लॉन्च साइट से लगभग 3 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में लैंड करवाया जिससे यह टेस्ट पूरा सफल रहा। 2018 के बाद गगनयान मिशन के लिए एक शक्तिशाली रॉकेट इंजन की जरूरत महसूस होने लगी जो GSLV मार्क 3 रॉकेट को और ज्यादा लोड उठाने में मदद कर सके। इसरो ने इस मिशन के लिए विकास इंजन को और ज्यादा अपग्रेड किया है। ये इंजन मार्क 3 रॉकेट के कोर स्टेज को पावर देता है। इस रॉकेट में जो दो विशाल बूस्टर लगे हैं उन्हें S-200 कहा जाता है। 25 मीटर लंबे और 3.5 मीटर चौड़े ये बूस्टर रॉकेट को काफी थ्रस्ट प्रदान करते हैं जिससे वह लिफ्ट ऑफ करता है। S-200 के ह्यूमन रेटेड वेरिएंट यानी HS-200 का सफल टेस्ट 13 मई 2022 को किया गया जहां ये बूस्टर 135 सेकंड तक नॉमिनल परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहा। गगनयान मिशन में इन बूस्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा इसलिए इसरो इन पर कई सालों से फोकस कर रहा है। वहीं रॉकेट के सेंटर में लगा L110 लिक्विड स्टेज 21 मीटर लंबा फ्यूल थ्रस्टर है जो दो विकास इंजन द्वारा ऑपरेट होता है। करीब 110,000 किलो लिक्विड फ्यूल लिए मार्क 3 रॉकेट को और ज्यादा थ्रस्ट प्रदान करता है। इसरो जल्दी इसे बदलकर SCE-200 कोर स्टेज लगाने वाला है जो पिछली L110 स्टेज से ज्यादा एडवांस है। ये उससे ज्यादा पेलोड उठा सकता है और केरोसिन की मदद से भी थ्रस्ट पैदा करके रॉकेट को उठा सकता है। गगनयान मिशन में ये शायद यूज नहीं होगा क्योंकि लगातार इस पर काम चल रहा है और ये अभी डेवलपमेंट स्टेज पे भी है। हो सकता है कि गगनयान के बाद होने वाले सभी भारी मिशंस इसकी मदद से स्पेस में जा सकें। वहीं मार्क 3 रॉकेट के सबसे ऊपरी पार्ट में आप अपर स्टेज को देख सकते हैं। इसे C-25 कहा जाता है। इसमें लगा सिंगल क्रायोजेनिक इंजन CE-20 अपने अंदर करीब 28,000 किलो रॉकेट फ्यूल रखता है जो 200 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है। कुल मिलाकर के गगनयान के लिए बना GSLV मार्क 3 रॉकेट भारत का पहला हैवी रॉकेट है जो कि हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। रॉकेट, ऑर्बिटल मॉड्यूल्स और सभी तरह की टेस्टिंग के बाद अब गगनयान के लिए हमें एस्ट्रोनॉट्स को भी ट्रेनिंग देनी थी। साल 2009 में ही इसरो एयरफोर्स के पायलट को चुनने लगा था। धीरे धीरे कई फैसिलिटीज बनाई गईं जहां ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। माइक्रोग्रेविटी और जीरो ग्रेविटी में ऑपरेट करना, लैंडिंग और स्पेस में रेडिएशन के प्रभाव को समझना इस ट्रेनिंग में शामिल था। 2019 तक भारत में ट्रेनिंग करने के बाद 4 एस्ट्रोनॉट्स चुने गए और फिर उन्हें रशिया में 1 साल के लिए एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा गया जहां उन्होंने अलग अलग प्रेशर और वातावरण में लैंडिंग के तरीकों को समझा। जंगल, नदी और समुद्रों में लैंडिंग कैसे करनी है इस पर भी उन्होंने जोर दिया। ये सभी काम 2021 फरवरी तक पूरे हो गए
और गगनयान फिर से अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ। पर इस बार कोरोना के कारण चिप शॉर्टेज और लॉकडाउन की वजह से यह मिशन और भी ज्यादा डिले हो गया। साल 2022 में इसका पहला मानव मिशन करना था, पर अब ये खिसक कर साल 2024 के पहले 3 महीनों में शिफ्ट हो गया है। लगभग 2 सालों का एक्स्ट्रा समय हमें कई चीजों को और बेहतर बनाने के लिए भी मदद कर रहा है, पर अगर ज्यादा डिले होने लगे तो ये आने वाले मिशन के लिए सही नहीं होता है। तो उम्मीद है कि साल 2024 में हम इसे लॉन्च होता जरूर देख पाएंगे। गगनयान के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के कितना ऊपर रहेंगे, आइए जानते हैं। लॉन्च होने के 16 मिनट बाद ही रॉकेट ऑर्बिटल मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और फिर भारतीय अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की निचली ऑर्बिट में उसकी परिक्रमा करने लगेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में यात्री 7 दिनों तक क्रू मॉड्यूल में रहकर कई तरह के एक्सपेरिमेंट स्पेस में करेंगे, जो इसरो के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। 7 दिन बिताने के बाद गगनयान का ऑर्बिटल मॉड्यूल वापस पृथ्वी की सतह पर लैंड करेगा। जैसे ही इसकी एटमॉस्फेयर में री एंट्री होगी, इसका सर्विस मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल से दूर हो जाएगा और फिर क्रू मॉड्यूल, जिसमें तीनों अंतरिक्ष यात्री बैठे हैं, बहुत तेज गति से पृथ्वी की ओर आएगा। हीट शील्ड से लैस ये एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन को झेलता हुआ अपनी स्पीड और अलाइनमेंट को थ्रस्टर्स की मदद से सही करेगा और फिर पैराशूट डिप्लॉय कर देगा। धीरे धीरे फिर मॉड्यूल या तो अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी में लैंड कर जाएगा। उसके बाद मॉड्यूल के सेंसर भारतीय नौसेना को लोकेशन के कोऑर्डिनेट सेंड करेंगे और फिर उनकी मदद से नेवी या कोस्ट गार्ड के लोग क्रू मॉड्यूल को खोजकर हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को सही सलामत निकाल लेंगे। इस तरह की लैंडिंग टेक्निक को स्प्लैश डाउन कहा जाता है। पर क्या 10,000 करोड़ के इस मिशन के कुछ फायदे भी हैं जो भारत को स्पेस की रेस में आगे बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। गगनयान मिशन के सफल होने के बाद हम कई ऐसे मिशन कर सकेंगे जिसमें हम ह्यूमन और रोबोट्स की मदद से ग्रहों पर लैंड करके उनके सैंपल वापस पृथ्वी पर ला सकते हैं, सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम विशालकाय स्पेस स्टेशन में अपने वैज्ञानिकों को भेजकर कई एक्सपेरिमेंट भी कर पाएंगे और साथ में स्पेस को और बेहतर तरीके से जान सकेंगे। इसके अलावा भारत में स्पेस के प्रति नया रुझान आएगा और कई लोग इस फील्ड से जुड़कर नए स्टार्टअप बना सकेंगे और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे। धीरे धीरे हम स्पेस रेस में काफी आगे चले जाएंगे और विश्व के 4th देश बनेंगे जिन्होंने अपने ही नागरिकों को अपने ही रॉकेट में अंतरिक्ष में भेजा है। गगनयान मिशन वास्तव में पहला ऐसा मिशन होगा जो भारत के इतिहास को बदल देगा। इसके बाद हम स्पेस स्टेशन को भी बनाने की कोशिश जल्दी पूरी कर पाएंगे और भारत का अपना एक स्पेस स्टेशन होगा जहां हमारे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में एक्सपेरिमेंट करेंगे और कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन के इफेक्ट को मापेंगे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।